देखिए आज हम हमारा 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। ये प्रदर्शनी जो दिखाई गई है वो इसीलिए दिखाई है कि जो हमारी स्वतंत्रता है बहुत आसानी से नहीं मिली है। ये सब आपने भी अभी एग्जीबिशन जब हम देख रहे थे तो आपने भी देखा होगा जो चित्र विभीषिका के दिखाए गए हैं, ये सब हुआ है, इतना नरसंहार हुआ है। देखिए मतलब हम तो आज इसको देख करके ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो जिस समय जिन लोगों ने इसको भुगता है, जो इस त्रासदी में से निकले हैं, उनका क्या हश्र हुआ होगा, क्या हाल हुआ होगा। आप देखिए छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों को किस तरीके से कितने ही किलोमीटर बिना पानी के बिना भोजन के बरसात में गर्मी में लोग लेकर के निकले हैं, क्या मारकाट मचाई है। मतलब सामने की सामने आप अपने परिवार के लोगों को मरते हुए कटते हुए देखते हैं तो आप सोच सकते हैं कि उनका मतलब क्या उस समय रहा होगा। तो ये जो विभीषिका हुई है विभाजन के समय, और ये करने वाले कौन थे, बंटवारा किसने किया, उनका तो हृदय पिघला नहीं। जिन नेताओं ने इसका विरोध किया उनको उन्होंने अपने हिसाब से सजा दी जो देनी थी। आज जो ये कहते ना बिना खड़ग बिना तलवार दे दी आजादी, तो इन सबको देख के कहीं लगता है क्या कि इन सबकी त्रासदी के बिना खड़ग के और बिना तलवार के आपको आजादी दी है। हमारे नौजवान जो बलिदान हुए हैं देश की आजादी के लिए, और आज जो 15 अगस्त को हम जो झंडा फहराते हैं तिरंगा, उसके लिए कितना बलिदान हुआ है, तो उस झंडे के महत्व को हमें जानना चाहिए। और तिरंगे की आन बान शान आज भी हमारे देश के सपूत वीर जवान जो राष्ट्रभक्त हैं उनके मन में तिरंगे को देखते ही एक राष्ट्रभक्ति का उबाल आता है। इस देश की शान के लिए, इस तिरंगे की शान और आन और बान के लिए कई लोगों ने अपने बलिदान दिए हैं। तो ये जो विभीषिका की जो एग्जीबिशन आज लगाई है, जो 14 अगस्त को जो ये सब हमारी आज़ादी के पहले का जो दिन था, तो ये उसको याद दिलाने वाली चीज़ है कि आज़ादी जो चीज़ आसानी से मिलती है उसका वैल्यू कम होता है, मेरे को ऐसा लगता है। और ये बात सही भी है। और ये जो त्रासदी वाली, अभी मैं इनको बता रही थी मैडम को कि मेरे ससुर जी रेलवे में ही थे, उस समय में पाकिस्तान में ही थे, तो जिस तरीके से उन्होंने मेरी सास और मेरी दादी सास को जो जानवरों वाला जो होता है उसमें छुपा करके हिंदुस्तान उन्होंने भेजा, पड़ोस में उनके जो थे उनके साथ में रहने वाले, मेरा पर्सनल हो जाएगा लेकिन ये उसी का अनुभव मैं आपको साझा कर रही हूँ। तो जो मैंने सुना तभी मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो आप ये देखिए इतने हजारों हजारों लोग पैदल बिना खाने पानी बरसात में धूप में चले जा रहे हैं, और कोई निश्चित नहीं है कि हम कब पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे। तो ये बहुत ही त्रासदी, इतना कल्पना भी हम लोग करें तो कर नहीं सकते, रोंगटे खड़े होते हैं इन सबको देख करके। तो यही देना चाहती है कि आज़ादी बहुत आसानी से नहीं मिली है, इस आज़ादी की वैल्यू करनी चाहिए, तिरंगे का मान सम्मान के लिए। और जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने हर घर तिरंगा अभियान जो चलाया है, इसकी भी एक वजह है कि हमको जब तिरंगा हम लगाते हैं, कोई भी तिरंगा जब हाथ में होता है तो अपने आप ही राष्ट्रभक्ति की भावना उबलती है हमारे अंदर से। तो उस तिरंगे का मान करें, उसका सम्मान करें, अपने अपने घरों पे, अपने अपने प्रतिष्ठानों पर ऑफिसेज में तिरंगा लगाएं 15 अगस्त को, और शाम को उसको उतार के भी रखें उसके सम्मान में। इसमें तो यही कहना चाहूंगा।